भारतीय जनता पार्टी का निम्न स्तरीय घटिया दो कौड़ी का घिनौना काम जो दो रूपल्ली के ट्रोल कभी पर्दे के पीछे से करते थे, अब वो भाजपा खुद कर रही है, उनके अधिकृत हैंडल कर रहे हैं। बददिमाग प्रवक्ता बेहूदी और भाइयात बातें कहते हैं टीवी चैनल पर, फेक न्यूज सरगना उसको फैलाते हैं, सांसद और मंत्री भोपू बन जाते हैं, अधिकृत चैनलों पर भाई बहन पर सवाल उठाया जाता है, मनगढ़ंत कहानियां रची जाती है। एक वीडियो शेयर किया गया कि राहुल जी और प्रियंका जी में मनमुटाव है। अरे चरण चंपकों, अगर जरा सा भी उन दोनों को जानते तो ऐसी बेवकूफी की बात नहीं कहते। मुझे पता है आप ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई बहनों ने आपकी नफरत और आपके झूठ के खिलाफ जो जंग छेड़ी हुई है उससे आप खासे बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है जवाब दिया क्या जाए। अगर आप जरा सा भी राहुल जी और प्रियंका जी को जानते तो जानते कि उनमें गंदी राजनीति और आपकी मनगढ़ंत कहानियां तो बड़ी दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकती। उन्होंने एक साथ इतनी दुख, इतनी दर्द, इतनी वेदना और हिंसा देखी है कि वो एक दूसरे की सबसे बड़ी ढाल है, एक दूसरे के शक्तिपुंज है। पर ये बात आप नहीं समझिएगा। क्या कहा, राहुल जी राखी नहीं बांधे। राहुल जी ने ना सिर्फ इस साल राखी बांधी बल्कि वो अपनी बंधी हुई राखी को पूरे साल उतारते नहीं है, या तो वो टूट जाती है या वो रक्षाबंधन तक बंधी रहती है, और ये बात उन्होंने खुद कही है। I wear my rakhi until it breaks. No, 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 no. He was giving me a high five. No, sorry. But you enjoyed the high five. You can give me a high five. So I don't take off my rakhi. I keep it, and it's there. I think it will stay there till next Raksha Bandhan at least. इस साल भी उन्होंने राखी बांधी, और इसका उल्लेख किया कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के कार्यक्रम के दौरान, जब उन्होंने कहा मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी और मुझे खुशी है कि कर्नाटक की महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप तो बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढते हैं ना राहुल गांधी जी को, खंगालते हैं, देखिएगा हाथ में राखी नजर आएगी, हर बार नजर आएगी। लेकिन परिवार पर नहीं बोलना चाहिए था। परिवार पर बोलकर आपने जितने सारे नरकंकाल आपके खेमे में है, हमें मजबूर कर दिया कि हम उसके बारे में बात करें। मैं अमूमन परिवार पर बात करती नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आपको शायद यही भाषा समझ में आती है तो आपको उस भाषा में समझाना जरूरी है। अपनी वृद्ध मां को, अपने भाई को, अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेने वाला कोई महान काम थोड़ी होता है। ये तो रणछोर वाला काम है, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला काम है। अब इतना बड़ा भगवान की कृपा से घर मिला दिल्ली में, सैकड़ों कमरे हैं उस घर में, अपनी मां को सेवा के लिए ना रखना कोई महान काम थोड़ी है, ये जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला काम है। 8-8 कैमरे लेकर जाना और मां के साथ अकेले बैठकर भोजन करना और 4 एंगल से उसको शूट करना, ये महान काम थोड़ी है, ये मां को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाला काम है। और आप क्या बात करेंगे भाइयों बहनों के संबंधों की, जब आपके आका के खुद के भाई प्रहलाद मोदी दशकों से उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ खेमा खोल के खड़े हुए हैं, यहां जंतर मंतर तक तो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। हम लोग जब छोटे थे और अगर किसी ऐसे शहर जाते थे जहां पर चाचा ताऊ मामा बुआ इत्यादि होते थे, तो माँ बाप बड़े निश्चिंत रहते थे कि चलो कोई बड़ा है, सुरक्षित रहेंगे बच्चे, हिफाजत रहेगी। क्या मतलब है आपके प्रधानमंत्री रहने का, क्या मतलब है सैकड़ों के इतने बड़े घर में अकेले रहने का, जब आपकी एक अकेली भतीजी आती है और रेलवे स्टेशन से उसको जाना पड़ता है कोई गुजरात सेवा समिति का कोई भवन है और वहां पर उसका पर्स छीन लिया जाता है। क्या आपकी एक छोटी सी भतीजी आपके साथ आकर नहीं रह सकती थी? क्या आपका चाचा या ताऊ होने के नाते कोई कर्तव्य नहीं है? जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाली जो आपकी पुरानी आदत है, उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है, क्योंकि आप 140 करोड़ की जनता की जिम्मेदारियों से भी ऐसे ही विमुख रहते हैं। तो कुछ बातें हैं जो राजनीतिक जीवन में कहनी नहीं चाहिए। मैंने आज तक इन बातों का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन अगर आप मेरे नेताओं पर मनगढ़ंत कहानियां रचिएगा और उनके खिलाफ इस तरह की बातें बोलिएगा, तो मजबूरन आईना तो हमें भी दिखाना पड़ेगा।